अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। उसका आज हम टॉपिक 2.4 स्टार्ट करेंगे। जी तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? किसी भी प्लेस या किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना पोजीशन कहलाता है। हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब्स द लोकेशन ऑफ अ प्लेस। किसी भी प्लेस की लोकेशन को या किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना पोजीशन कहलाता है। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ उनको डिनोट करना क्या कहलाता है? पोजीशन। और इसको हम कहते हैं ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। आपको अपने घर से अपने स्कूल तक की पोजीशन को डिफाइन करना है, तो किस तरह से करेंगे? हमने सपोज कर लिया कि एच जो है हमारा होम है और एस जो है वो हमारा स्कूल है। होम से लेके स्कूल तक का जो ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारी पोजीशन है। ये जो स्ट्रेट लाइन के साथ हमने शो कर दिया है, ये हमारे पास पोजीशन है और ये स्ट्रेट लाइन एच एस होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? फासला, तय करता फासला। लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, जो उनकी लेंथ होती है, वो हमारे पास आ जाता है डिस्टेंस, उन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे ये एक कर्व है, ठीक है, ये इस तरह से कर्व है और हमारी एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है फ्रॉम ए टू बी अलोंग द कर्व। ये मूव कर रही है, ये क्या कर रही है? ये अपना डिस्टेंस तय कर रही है, अपना फासला तय कर रही है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ये मूव कर रही है, ये एस क्या शो कर रहा है? ये डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पॉइंट ए से पॉइंट बी, जो डायरेक्ट मूव कर गई है, ठीक है, एक तो ये अलॉन्ग द कर्व मूव कर रही है, वो हमारे पास डिस्टेंस है, लेकिन पॉइंट ए से पॉइंट बी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मूव कर रही है, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एग्जांपल एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अलॉन्ग द कर्व पाथ, जॉइन पॉइंट्स ए एंड बी बाय स्ट्रेट लाइन। पॉइंट ए और बी को स्ट्रेट लाइन के साथ हमने जॉइन कर दिया। द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस विच इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी। ये कौन सा डिस्टेंस है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। डायग्राम से हमने डिस्प्लेसमेंट को देख लिया, अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो पॉइंट्स के दरमियान में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब वो जो डायग्राम थी ये उसका बताया गया है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। वेक्टर क्वांटिटी है, जाहिर है, तो ये हमें डायरेक्शन शो करेगा। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम एरो हेड लगा देते हैं या उसको हम बोल्ड करके लिख देते हैं, तो ये जो डी लिखा हुआ है ये बोल्डेड डी है, मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट आ जाता है स्पीड। स्पीड क्या होती है? किसी भी चीज़ की रफ्तार, मूव करने की जो रफ्तार होती है, जो स्पीड होती है, वो हमारे पास स्पीड में आ जाता है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। किसी भी टाइम में, कुछ टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर कर लेती है, वो स्पीड आ जाती है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन। टाइम टेकन के जितने टाइम में किसी बॉडी ने अपना डिस्टेंस कवर किया, और जो कवर डिस्टेंस है, जो मूवेबल डिस्टेंस है, वो है, ठीक है। अब डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास, अगर हम डिस्टेंस की डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, और ये टाइम जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, स्पीड के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं, स्पीड को हम वी से शो करते हैं, और टाइम को हम स्मॉल टी के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हम देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड हमारे पास था डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डी से, और टाइम टेकन जो है वो हमारे पास स्मॉल टी है। डिस्प्लेसमेंट एक साइड पे ले जाएं हम, तो वी और टी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी तो अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एग्जाम्पल एक, जो कि है एग्जाम्पल 2.2।
A sprinter completes its 100 meter race in 12 seconds. Find its average speed. एक sprinter है वो 12 seconds में अपनी 100 meter race complete कर रहा है. हमने इसका average speed find करना है. तो इसका solution है टोटल डिस्टेंस कितना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है टोटल डिस्टेंस है 100 मीटर, तो इसको हम लिख लेंगे 100 मीटर. और टोटल टाइम कितना है 12 सेकेंड्स, टाइम टेकन है 12 सेकेंड्स. एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. अगर हमने किसी चीज़ की एवरेज फाइंड करनी हो तो उसके गिवन डाटा में जो जितनी भी चीज़ें हैं उनका हमने टोटल सम ले लेना होता है. टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस कवर 100 मीटर्स है और टोटल टाइम क्या है 12 सेकेंड्स है. इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड. दस द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इज 8.33 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 2.3. अ साइकिलिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स. फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी. एक साइकिलिस्ट है उसने 1.5 मिनट्स में 318 रेडियस ट्रैक का कवर कर लिया. हमने इसमें स्पीड और वेलोसिटी फाइंड कर ली. तो इसका सॉल्यूशन है, ये हमारे पास डायग्राम है ठीक है. यहाँ पे ये 2R जो है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जो ये मूव कर रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट है. और साइकिलिस्ट ने मूव किया है हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, हाफ राउंड ये उसने सर्कुलर ट्रैक का मूव किया. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. रेडियस ऑफ अ ट्रैक, ट्रैक का रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है 318 मीटर. टाइम टेकन कितना है 1.5 मिनट्स, 1 मिनट और 30 सेकेंड्स, मतलब कि 1 मिनट और एक तो है 1 मिनट और दूसरा है हाफ मिनट 1.5 मिनट. एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं और जो हाफ मिनट बच गया 0.5 उसमें 30 सेकंड्स होते हैं. दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ गया 90 सेकंड्स. डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस उसने कवर किया है पाई इंटू रेडियस ठीक है. हाफ सर्कुलर ट्रैक वो मूव किया है तो पाई इंटू रेडियस आएगा. पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है और रेडियस हमें गिवन है 3.18. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 मीटर आ जाएगा. डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2R है क्वेश्चन में गिवन है. डिस्प्लेसमेंट 2R, 2 इंटू आर, आर की वैल्यू हमें गिवन है 318 मीटर. तो 318 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 636 मीटर. स्पीड इसकी कितनी है, जो इसने स्पीड कवर की है जितनी स्पीड में इसने ट्रैक में अपना रेस कवर किया है वो है डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस कितना है कवर किया हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस है 999 मीटर और टाइम कितना है 90 सेकेंड्स. 999 ओवर 90 सेकेंड्स इक्वल्स टू 11.1 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड क्या है, ये स्पीड का यूनिट है. देन हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. डिस्प्लेसमेंट कितना फाइंड किया है इसने 636, 636 डिवाइडेड बाई 90 जो 90 सेकेंड जो हमने टाइम काउंट किया. दोनों का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7.07 मीटर पर सेकेंड. हमने इसमें स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी थी. अगर हमने स्पीड फाइंड करनी हो तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस की ज़रूरत है क्योंकि स्पीड के फॉर्मूले में डिस्टेंस आता है. और अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो पहले हमें डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है. अगर हमें क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है तो हम उसको खुद फाइंड करेंगे. यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया है तो ये वेलोसिटी में यूज़ होगा. वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. और डिस्टेंस कवर यूज़ होगा स्पीड में. स्पीड क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम. और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. ठीक हो गया. द स्पीड ऑफ द साइकिलिस्ट इज 11.1 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द ट्रैक. तो साइकिलिस्ट की स्पीड अलॉन्ग द ट्रैक थी 11.1 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी थी 7.1 मीटर सेकेंड मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग डायमीटर ए बी ऑफ द ट्रैक. आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाता है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो हमारे पास एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है. वेलोसिटी टू टाइप्स की होती है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम
ए क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इक्वल्स टू वी एफ हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी है वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, दैट इज वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। नेक्स्ट आ जाती है एग्जाम्पल 2.4। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट हुई है, इट्स वेलोसिटी बिकम 20 मीटर पर सेकेंड। वो स्टार्ट हो गई है मूव करना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है। पहले वो जीरो थी, जब वो रेस्ट पे थी तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, फिर जब वो मूव करने लग गई उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। कितने टाइम में, 8 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन होगा, इनिशियल वेलोसिटी जब कार रेस्ट पे थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, जब कार मूव करना स्टार्ट हुई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 8 सेकेंड्स में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। वी एफ हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी 20 है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, वैल्यूज पुट करेंगे, और डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमारे पास 8 सेकेंड्स है। 20 माइनस 0 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 8 सेकेंड, 20 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आंसर आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर क्या है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दस द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल 2.5। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने रिटार्डेशन फाइंड करनी है। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है, लेकिन जो इसका इन्वर्स है, जो इसके नेगेटिव होती है, वो हमारे पास रिटार्डेशन होती है, या हम इसको डिसेलरेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन के नेगेटिव को डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, मतलब कि एक्सेलरेशन में जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन अगर एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव में आया, उसकी वैल्यू के साथ कोई नेगेटिव साइन आया, तो वो रिटार्डेशन होगी या डिसेलरेशन होगा। अब हमने रिटार्डेशन ही फाइंड करनी है। पहले हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन का आंसर हमारे पास माइनस में आएगा, फाइंड हमने एक्सेलरेशन करनी है लेकिन उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। हमने रिटार्डेशन फाइंड करनी है जबकि एक कार की कार मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली, कार जो है वो आहिस्ता से स्लोज डाउन हो रही है 215 मीटर पर सेकेंड। पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 थी, कम हो गई, वो कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में, 5 सेकेंड में। हमें इसका फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, मतलब कि रिटार्डेशन फाइंड करनी है हमें इसकी। तो इसका सॉल्यूशन है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी आई जब कार स्टार्ट हुई मूव करना 30 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। जब इसकी कार यूनिफॉर्मली स्लोज डाउन हुई तो 15 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो गई, मतलब कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी थी। कितने टाइम में, 5 सेकेंड्स में। तो ये टाइम टी है 5 सेकेंड्स। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें चेंज इन वेलोसिटी का पता होना चाहिए, मतलब कि वी एफ माइनस वी आई हमें पता होना चाहिए। टी हमारे पास गिवन है क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई, वी एफ की वैल्यू पुट कर लेंगे 15 मीटर पर सेकेंड और वी आई की वैल्यू पुट कर लेंगे माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आया, किसका, चेंज इन वेलोसिटी का, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। चेंज इन वेलोसिटी तो हमने निकाल ली जो कि है माइनस 15 मीटर पर सेकेंड, तो वैल्यूज पुट करेंगे माइनस 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 5। कितना आ गया, 5 को हम 15 के साथ, 15 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन ही फाइंड हुई है, ठीक है। इसका आंसर नेगेटिव में आया, मतलब कि ये रिटार्डेशन हुई है। सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज रिटार्डेशन, क्या कहा उसने कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन कहते हैं। दस एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकेंड। कार की एक्सेलरेशन तो 3 है, लेकिन साइन नेगेटिव का क्या मतलब है कि ये उसकी रिटार्डेशन है। आई होप कि आपको डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी, एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।